हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुलाल चंदा स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं, एक प्लान बनाते हैं, उसके बाद काम करते हैं, उस काम को अंजाम देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचने का बहुत कम समय होता है और क्विक काम करना पड़ता है, तुरंत डिसीजन लेना है और तुरंत काम को अंजाम देना है। तो दोनों ही स्थिति में हम लोग सोचते पहले हैं और काम बाद में करते हैं। इसी तरह से हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या बनेंगे, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। हमें अपने लाइफ का एम पता होना चाहिए, अपना ड्रीम पता होना चाहिए कि हम लोग क्या बनेंगे, किसके लिए काम कर रहे हैं। हमें रीजन होना चाहिए, हमारे पास एक रीजन होना चाहिए जिसके लिए हम काम करते हैं। तो आज मैं इसी विषय में बात करूंगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सफलता की सफर में पहली सीढ़ी होती है, इसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ेगा, इसके बगैर वो चलना शुरू ही नहीं करेगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सपोज दैट आप ट्रेन पे सफर किए होंगे, लगभग सभी लोग सफर किए हैं। तो ट्रेन पे सफर करने से पहले क्या होता है, हम लोग स्टेशन में जाते हैं, वहां पे एक टिकट लेते हैं। तो उसको बतलाते हैं कि हमको यहाँ जाना है। हमको अपना डेस्टिनेशन पता होता है कि हमको कहाँ जाना है, तभी तो हम ट्रेन पे चढ़ते हैं। अदरवाइज तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता है कि उसको पता नहीं कि क्यों ट्रेन चढ़ा हुआ है, वो जाके चढ़ गया और चलते जा रहा है। तो जब ट्रेन चढ़ने से पहले आपको पता होता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, तो ये लाइफ का जो सफर है, ये जिंदगी का जो सफर है, इस पे जो हम लोग चल रहे हैं, इसको आगे लेते जा रहे हैं, तो इसमें क्यों नहीं पता होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। आज पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं, पढ़ रहे हैं। तो अगर रीजन नहीं है, आपके पास कोई एम नहीं, कोई ड्रीम नहीं है, तो निश्चित है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी पढ़ाई करने के बाद भी अनसक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, कष्टमय जीवन जी रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? रीजन नहीं था उसके जीवन में, रीजन नहीं था कि वो क्यों पढ़ रहा है, क्या करने वाला है, उसके पास गाइडलाइन नहीं था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उसी में से एक हूं। क्यों पढ़ रहा था मालूम नहीं, बस पढ़ रहा था, कोई गाइडलाइन नहीं था मेरे पास, जिसके वजह से आज ये स्थिति हो गई। बहुत सारा काम किया, ये काम किया, वो काम किया, कुछ मालूम नहीं था किसी एक चीज पे फोकस करना है, ये मालूम नहीं था, ड्रीम था ही नहीं। तो आपके पास वो ड्रीम होना चाहिए जिसके लिए आप काम करेंगे। मान लेते हैं छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उन लोग के पास भी एक रीजन होता है, पढ़ाई कर रहा है छोटा बच्चा तो जानता नहीं, लेकिन रीजन होता है उसके पास। रीजन ये होता है कि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो टीचर से मार खाएगा, डांट सुनेगा, घर में डांट सुनेगा, ये रीजन होता है, इसलिए वो पढ़ता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसलिए वो पढ़ता है क्योंकि एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में अगर वो फेल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका दोस्तों के बीच बेइज्जती होगी, घर में लोग मम्मी पापा डांटेंगे और जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो रीजन यहाँ पे ये होता है, उसको पता नहीं होता कि उसकी लाइफ का क्या रीजन है, लेकिन उसको एक छोटा सा रीजन ये मिला हुआ है कि उसका एग्जाम है। अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा, ये रीजन होता है। उसके बाद जब बच्चा हायर क्लास में जाता है फिर उसको पता चलता है कि उसको क्या करना है, उस समय उसको वो डिसीजन लेना पड़ता है, उस समय उसे पता चलता है कि अब लाइफ में हम कहाँ जा रहे हैं। तो वही चीज आपको अगर पहले से पता हो, पहले से आप उसके पीछे मेहनत करेंगे, पता होगा रीजन, पता होगा तब मेहनत करेंगे। तो ज्यादातर बच्चों को रीजन पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पता नहीं रहेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 8 क्लास से नीचे के बच्चे को ज्यादातर पता नहीं रहता है। तो उन छोटे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके गार्जियन को पता होना चाहिए कि वो बच्चा क्या करेगा। हो सकता है कि वो बाद में बदल जाए, लेकिन फिर भी एक टारगेट, एक एम लेके चलना पड़ेगा कि बच्चे को ये बनाना है। जब बड़ा होगा उसको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आएगा, वो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा उस तरह की चीज़ उसको बनने देंगे, वो खुद डिसीजन बतलाएगा अपना कि मैं ये बनना चाहता हूँ। तो फिर गार्जियन को उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि तुम ये बनना चाहते हो, हम ये बनाना चाहते हैं, बिल्कुल भी वैसे नहीं करना है। वो जो बनना चाहता है आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वाकई में उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वही वो बनेगा।
तो मैं यही बतलाना चाह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई रीजन है। अगर रीजन नहीं है तो आप अनसक्सेसफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों अंतिम शब्दों में यही मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपके पास रीजन होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, जिसके लिए आप दिन रात एक करके काम करेंगे। अगर वो चीज नहीं होगा तो आप काम नहीं करेंगे। इस बात को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लीजिए, यह आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाएगा, बहुत बड़ा रोल इसका है। जब आपको पता चल जाए रीजन कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, तो उसके लिए आप 100% तत्पर रहिए, 100% आप सबमिट, 100% आप समर्पित रहिए कि उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा, आप उसके लिए तत्पर रहेंगे, तभी वो आपका ड्रीम फुलफिल होगा। जितने बड़े बड़े लोगों का ड्रीम फुलफिल हुआ है वो दिन रात लगे हुए थे, कोई यूं ही नहीं हो जाता कि ऊपर से आपको मिल गया और आप सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं होता। तपस्या यही है जो हम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, तो वही तपस्या है, उसी से आप सक्सेस होंगे। रीजन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, रीजन होगा तो विजन होगा। आप जब आपके पास एक वजह होगा तब आप उसके पीछे चलेंगे। रीजनलेस वर्क दुनिया में कुछ भी नहीं है, बिना कारण कोई काम नहीं होता है, याद रखिए। इसीलिए आप अपना टारगेट बनाइए, आपको पता होना चाहिए कि आपका रीजन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका एम क्या है, और आप सक्सेसफुल होंगे, उसके लिए काम करना है। तो आज का वीडियो में मैं यही बतलाना चाह रहा हूं कि आप अपने रीजन को पता कीजिए और उसके लिए काम कीजिए, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह का एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।